लेने का, सबसे पहले पीछे का देख लो। अगर आप स्मॉल साइज के ब्लाउज पहनते हो, आपका साइज स्मॉल है, तो इसके साथ ये वाला ब्रा मैंने पहना था, लेकिन बहुत सिली क्या है ना, आपको जब भी ऐसा ब्लाउज पहनना है खराब लग रहा था। ये भी फूगी भाई है ना, ये आ जाएगा आपको, ये ट्रिपल एक्सेल है, और वो वाला अच्छा है ना कलर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, और मुझे ना उस दिन कुछ ब्लाउज पसंद आया था, मैंने मीशो में बहुत देखा, बट मीशो में क्वालिटी पता नहीं चलता, ऑर्डर करने के बहुत दिन बाद आता है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा दुकान में भी मिला मुझे, बट फिलहाल मैं दुकान में नहीं जा रहा हूँ, एक स्ट्रीट शॉप में जा रहा हूँ, जहाँ पे एक अंकल आंटी सेल करता है। वो बोला ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और मैं कौन सा साइज लेके आऊंगी मुझे पता नहीं है, वो लोग जो साइज बोलेगा मैं वही साइज लेके आऊंगी, बिकॉज उसका कोई बार्टर नहीं होता, स्ट्रेचेबल ब्लाउज होता है। अभी जा रहा हूँ लेने के लिए, चलो दिखाते जल्दी। ए देखो रोड के पास आ गए, दिखाओ दिखाओ, उस दिन बोल के गई थी फूगी वाला भाई दिखाने के लिए, कितना अच्छा अच्छा डिजाइन है आपके सामने देखो। स्ट्रीट मार्केट के बाजू में देखो तुम, ये वाला है नेट में दिखा था ना उस दिन आंटी, नेट वाला, ये भी फूगी भाई है ना, ब्लैक हो तो ब्लैक भी दिखाओ नेट में, ब्लैक कलर में, ये देखो ये भी फूगी भाई है, लेकिन इसमें नेट नहीं है, इसमें नेट है। हाँ कितनी करके बोला, 250 रुपया, 150 रुपया, कौन सा 150, अरे 850। मैं क्या ना ब्लाउज जब हाथ में लिया तब मुझे एक बात समझ में आया, सेम डिजाइन ब्लाउज होने के बाद भी सेम कपड़े नहीं है, मटेरियल एकदम डिफरेंट है, जैसे व्हाइट और रेड कलर का डिजाइन एकदम सेम है, दोनों के दोनों सीक्वेंस वाला ब्लाउज है, लेकिन व्हाइट कलर का ब्लाउज एकदम पतला पतला कपड़े में है और रेड कलर का थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ब्लाउज ऐसा है जो मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अस्तर डाल के ब्लाउज बनाते हो ना ऐसा वाला है, मतलब मोटा कपड़ा है और बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा का भी है, जैसे ऊपर डामी में लगा हुआ है ग्रीन कलर का जो ब्लाउज दिखाई दे रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है, और स्काई ब्लू कलर का जो ब्लाउज है ना एकदम पतला वाला कपड़ा है, सेम डिजाइन है लेकिन कपड़े में बहुत फर्क है यहाँ पे, और नेक में भी आपको ऐसा लगता है जैसे नेक सबका एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ कुछ सामने का नेक जो है ना फ्रंट वाला नेक बहुत बड़ा है, पीछे का छोटा है, कुछ पीछे का बहुत बड़ा है सामने का छोटा है, कुछ ब्लाउज का लेंथ बहुत ज़्यादा है कुछ कम है, लेकिन मुझे चाहिए था सीक्वेंस ब्लाउज में शॉर्ट स्लीव वाला ब्लाउज, जो मुझे फिलहाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी शॉर्ट स्लीव वाला ब्लाउज है ना सबके सब प्लेन, मतलब प्लेन जो सॉलिड कलर बोलते हैं ना उसमें है, बट मुझे सीक्वेंस वाला में चाहिए था, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या करें, मैं बोला चलो थोड़ा ब्लाउज आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो मुझे चाहिए था रेड कलर का ब्लाउज, और क्या ही बताओ, रेड कलर ब्लाउज बोलो ब्लैक बोलो जो भी डिजाइनर वाला ब्लाउज है ना सबके सब ग्लव्स स्लीव में है, मुझे चाहिए था शॉर्ट वाला स्लीव, बट शॉर्ट स्लीव था ही नहीं डिजाइनर वाला में, क्या ही बोलूँ, मुझे तो मन एकदम खराब हो गया, मुझे लगा चलो उनके पास सब मिल जाएगा, उन्होंने बोला नहीं सब नहीं है हमारे पास, प्लेन में आपको मिलेगा शॉर्ट, क्या ही बोलूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से कॉन्फ्यूज हो जा रही थी कौन सा चाहिए मुझे, इतना सारा वैरायटी देख के। ये भी 250 का है।
ये जो ब्लू कलर का था ना, इसका स्लीव का कलर, नेट का कलर और बॉडी का कलर मिल नहीं रहा था, मैच नहीं हो रहा था। मुझे इसमें गोल्डन कलर चाहिए था, गोल्डन कलर था ही नहीं उनके पास। और उनके प्राइस अभी बहुत हाई बोलते हैं, मतलब 250 करके बोल रहा था इसके प्राइस। ये देखो, ये सब प्लेन में भी है, बट सब मैक्सिमम ब्लाउज जो है ना यहाँ पे ग्लाव स्लीव वाला है। अब मैंने ये वाला लिया, दूसरा ये भी है फूगी वाला, देखो ये भी पकड़ के देखो ना आंटी। ये 150 करके हाँ प्राइस, सुंदर है, सब कलर मिल जाएगा, बट मेरे को कलर मिल नहीं रहा है। ये अभी टायल में था, मैंने निकाल के ले लिया मेरे लिए। चलो यहाँ पे बहुत सारा प्रिंटेड वाला भी है, सारे के साथ मैचिंग करके ले सकते। वो जो अंकल ढूंढ रहा है देखो मेरे लिए कुछ, सब साइज मिलता है यहाँ पे, एकदम मोटे लोगों का 40। आपके साइज है देखो तो कैसा। मेरी दीदी है आपके साइज का। ये बोला ना, देखो देखो आ जाएगा आपको, आ जाएगा। लो कितनी बड़ी है वो, 35। ऐसा है ये कितनी का है? 150 है ये भी, 150। इसमें कलर है, ऐसी मोटी साइज लो, आ बड़ी साइज देखो तो खुल के, हां 250 रुपया वाली है। अच्छा 250 वाला है ये, सबसे बड़ा है ट्रिपल एक्सेल ना। हां सबसे बड़ा है ये, ट्रिपल एक्सेल है। और वो वाला डबल एक्सेल है, डबल एक्सेल ये ट्रिपल एक्सेल। ओके डबल एक्सेल है, बट ये ना दीदी ना आंटी जैसे मोटी है, तो ट्रिपल एक्सेल है। ट्रिपल एक्सेल इसमें नहीं है ना, ट्रिपल एक्सेल नहीं ना, बट ये बहुत डिजाइन सुंदर है, डिजाइन अच्छा है। बट इतना ही जाएगा ना, उनको नहीं जाएगा। ट्रिपल एक्सेल इसके बाद मिला के देखने का पहले, ट्रिपल एक्सेल है कि नहीं फिर पता चल जाएगा। ये पे देखो कितना सारा कलर है, देखो यहाँ पे स्ट्रेच करके दिखा रहा है। आंटी को आएगा तो दीदी को आएंगे। ये देखो कलर देखो एक बार, प्लेन में भी है, बहुत सारा कलर है यहाँ पे। ट्रिपल एक्सेल भी मिल गया, स्मॉल भी मिल गया मेरे लिए। मेरी कौन सा साइज है? एल साइज ना, एल। देखो ये डबल है, डबल एक्सेल ना, ये डबल एक्सेल, ये भी डबल एक्सेल, ये एक्सेल स्ट्रेचेबल कपड़ा इसके नहीं, डबल एक्सेल आ गई डाउन वाला देंगे। ओ तुम्हारी साइज ये मेरी साइज है ना, एल साइज। अरे कौन सा है दीदी वाला, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मोटी साइज है, ये एल साइज। दो कलर है, एक ब्लू कलर है, एक ब्लू एक रेड ना। ये डबल एक्सेल है देखो, मैं दीदी के लिए ना ट्रिपल एक्सेल देखा, वो मुझे अच्छा लगा, ये बोला ट्रिपल एक्सेल आ जाएगा दीदी को। बहुत अच्छे कपड़ा, बहुत अच्छे लॉन्ग स्लीव में, बड़ा साइज के वैसे तो ये अच्छे है ना कलर। मम्मी को देखाऊंगी वीडियो में बाद में, मम्मी को अच्छा लगेगा तो मम्मी ले लेंगी। कपड़ा बहुत अच्छा है देखो, कपड़ा बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छे कपड़ा। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई मार्केट से, राती में ब्लाउज को कर दिया टायल, और मुझे ना बहुत शौक था ये ब्लाउज लेने का। सबसे पहले पीछे का देख लो,
डीप इतना है और इसका लेंथ भी ज्यादा नहीं है। ज्यादा लेंथ होता तो अच्छा भी नहीं लगता, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मतलब ब्लाउज नहीं है, हमने क्रॉप टॉप पहन लिया। तो इसका सब कुछ अच्छा है लेकिन इसका साइज में एक प्रॉब्लम है। अगर आप स्मॉल साइज के ब्लाउज पहनते हो, आपका साइज स्मॉल है, तो आपको एक साइज बड़ा लेना पड़ेगा। ये साइज जो है ना एल साइज है, फिर भी मुझे थोड़ा फिटिंग पड़ता है, मैं बोलता हूँ। मैंने पहले इसको पहना था तो इसको अभी खोल दिया क्योंकि मुझे इसमें एक प्रॉब्लम हुआ। ये देखो, ये है एल साइज, फिर भी मुझे ना फिटिंग पड़ रहा है। इसके साथ मैंने वेयर किया था ये वाला ब्रा, ये नॉर्मल पैड वाला ब्रा है, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला ब्रा मैंने पहना था लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट को क्या ना ऐसा प्रेस करता है, दब जाता है, क्योंकि बहुत टाइट हो रहा था मुझे, इसीलिए। इससे थोड़ा लूज लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी के साथ फिटिंग नहीं रहेगा, इधर से फिटिंग नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए क्या ना, आपको जब भी ऐसा ब्लाउज पहनना है, पतला सा ही पतला है, तो आपको ब्रा अच्छा पहनना पड़ेगा। अभी जो मैं ब्रा पहन के रखा देख लो, ये ना डबल पैड वाला ब्रा है जो एकदम हार्ड होता है, कितना भी टाइट वाला कपड़ा पहनो वो दबेगा नहीं, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं बोलने वाला था, बट मैं अभी तक वीडियो बनाया नहीं। तो वो मैंने ब्रा बांग्लादेश से लेके आई थी ना, वो वाला ब्रा, इसको मैंने पहले पहना था। इसका प्राइस है 150 और इसका प्राइस है 250। तो इसका ऐसा लगता है दिखने में कुछ अच्छा है वैसे तो, लेंथ भी इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है। और इसको पहनने में ना बहुत तकलीफ होता है, मतलब वैसा दूसरा लुक चाहिए होता है कोई ना कोई इसको यहाँ पे खींचने के लिए। और ये बहुत टाइट पड़ता है लेकिन इससे लूज मुझे लूज ज़्यादा लूज पड़ जाएगा। अगर आपका साइज स्मॉल है तो आपको मीडियम साइज ब्लाउज लेना ही पड़ेगा। बाबू आवाज मत करो, मेरे हस्बैंड का जो गाँव है ना, वो गाँव में गई थी मैं, तो अब इसका प्राइस था जस्ट 100 रुपी और इसका प्राइस था 200 रुपी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 250 में लिया और ये 150 में लिया। अहमदाबाद में जो दुकान है ना, दुकान में ये 350 रुपी है और ये 180 है। अहमदाबाद का दुकान का प्राइस थोड़ा हाई है इसलिए मैं स्ट्रीट से लिया है। और मैं ज़्यादा ब्लाउज लेने वाली थी बट ज़्यादा नहीं लिया दो कारण, बिकॉज मैं कोलकाता जाने वाला हूँ, कोलकाता से वेस्टर्न ब्लाउज लेके आऊँगी। अच्छा अच्छा, इसको क्या ना मुझे लेने का शौक हुआ तो मैं ले लिया, बट मुझे अभी ऐसा लगता है पहनने के लिए ना एक लुक हेल्पर होना चाहिए। और दूसरी बात क्या ना, अगर आपके पास अच्छा वाला ब्रा नहीं है आप इसको मैं पहन नहीं सकते हो। लूज ब्लाउज लोगे तो या से लूज रहेगा, शेप अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको जो भी ऐसा ब्लाउज लेने का मन करे तो एक साइज बड़ा लेना है और कोई भी अच्छा ब्रा पहनना है। अगर मैं इसके हाथ पहनता तो पूरा अभी तो ठीक ठाक रहता। मैं पहन के देखा, रुको मैं पहन लेता। ओ माय गॉड, मेरे फेस में देखो पूरा पचीना पचीना हो गया। फाइनली मैंने पहन लिया लेकिन तो भी शेप अच्छा नहीं आता। और इसका एक ही साइज था, ये मैं लेके आई। बाबू बात मत करो, पीछे का देखो बहुत ज्यादा पचीना आया। इसको अकेला पहनना बहुत मुश्किल है, पहनते पहनते थोड़ा सा निकल भी गया यहाँ से। तो इसको मैं एक्चुअली बदल के कोई दूसरा कुछ लेके आऊंगी, या व्हाइट कलर का इसमें सीक्वेंस वाला लेके आ जाऊंगी 250 रुपये देके, क्योंकि इसको पहन नहीं सकते, नहीं तो मम्मी के लिए लेके आ जाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है लेकिन शेप इतना अच्छा नहीं आता। इतना अच्छा वाला ब्रा पहनने के बाद भी देखो शेप बहुत खराब आ रहा है। या इससे थोड़ा बड़ा साइज का होता तो चलता, लेकिन इसका कोई साइज ही नहीं है, ये सिंगल पीस पड़ा हुआ था। पूरा मुझे पचीना पचीना आ गया। और जब मैं ये वाला ब्रा के साथ पहना था ना, पूरा ब्रेस्ट एकदम दावा हुआ था, एकदम देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। पहनने में बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी मम्मी के पास ऐसा वेलवेट का ब्लाउज था जो इतना स्लीप का था, मैंने बहुत दिन यूज किया, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा पहनने में इजी होते थे। लेकिन ये सब बहुत पतला पतला कपड़ा है और पहनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखने में पता नहीं कैसा लग रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा शेप अच्छा नहीं आ रहा है। चलता होता बट इसका शेप इतना अच्छा नहीं आ रहा है, ऊपर से इधर से निकल भी जा रहे हैं। तो इसको चेंज करके लेके आना पड़ेगा बिकॉज मैं कभी पहन ही नहीं पाऊंगी। 150 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं अगर नहीं पहन पाई तो अच्छा ही नहीं लगेगा, तो फिर पहनूंगी भी नहीं। तो पहनते पहनते पाचीना पूरा आ गई। पूरा देखो गला का वो अच्छा है, मतलब ज्यादा छोटा गला नहीं है, देख लो। और प्राइस भी थोड़ा ज्यादा ही दिया है वैसे तो, लेकिन इनके पास काफी सारा साइज है जो दुकान में मैंने देखा नहीं होता। 3XL, XXL, स्मॉल से लेके बहुत सारे साइज है, लेकिन आपको हमेशा बड़ा साइज लेना पड़ेगा। आपके साइज से बड़ा साइज लेना पड़ेगा, आपका जो भी साइज है इससे आपको बड़ा साइज ही लेना पड़ेगा। विवान बेबो नहीं, ऐसा मत करो। ये देखो अच्छा, पीछे से देखना क्या करता है वो। तो जो भी है दिखा दिया मैंने, इसका रिव्यू भी कर दिया, खरीद भी लिया, ठीक है ना। फाइनली मैं खुश भी हो गई, बहुत दिन से लेना था मुझे, बट मुझे इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगा। इसको बदल के मैं मम्मी के लिए ब्लाउज लेके आऊंगी। जो दीदी के लिए जो यहाँ पे 250 रुपये बोला है ना, वो वाला गांव में क्या है ना जस्ट 150 में बोला था मुझे। यहाँ पे थोड़ा प्राइस ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन दुकान में महंगा है,
गांव में जाता तो ले सकते, बट अभी तो गांव में जाने का टाइम नहीं है। चलो मेरी कोलकाता का वीडियो देखने के लिए वेट करना। कोलकाता से मैं काफ़ी सारा ब्लाउज खरीदने वाला हूँ, मेरे लिए कम से कम 10 ब्लाउज तो खरीद ही लूँगी, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा करते, टाटा बाय, सी यू, मां। करो पप्पी करो, वो पीछे से पप्पी कर रहा था, माँ, इसने नेल पॉलिश लगाया, माँ। चलो गाइस टाटा।